आज के तो प्रोटेस्ट है, किस चीज को लेकर के है, क्या मांग है, पानी की बोतल आप ले रखे हैं, कहाँ की है, क्या हालात है? पहले ही बताया गया है, हमने जो आपको निमंत्रण भेजा था उसमें क्लियर कहा कि अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी का जो लुक्का छुपी का खेल 10-12 दिन से जो धरने के तौर पर चल रहा है, ये तो दिल्ली के देश के लोगों के लिए घातक तो है ही है, लेकिन ये तो सालों साल से चल रहा है। दोनों पार्टियां झांसा दे करके जुगलेबाजी छोड़कर झूठेबाजी करके घोषणा पत्रों से हट करके जो मक्कारी सरकारों में रही है, इनकी सरकारों की कमियां रही है, चाहे विकास के नाम पे, चाहे रोजगार के नाम पे, चाहे सीलिंग नहीं रुक पाई, चाहे डेमोलेशन नहीं रुक पाई, तोड़ फोड़ नहीं रुक पाई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के अरविंद केजरीवाल का ड्रामा शुरू हुआ। अगले दिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में भी वो बड़ा ड्रामा शुरू कर दिया। इन दोनों के ड्रामे की दिल्ली की जनता बेहद परेशान रही है और पहले भी परेशान रही है, आज फिर परेशान है। सब लोगों ने संस्थाओं में बैठ करके अम्बेडकर वीर सेना ने, भूमिवीर संघर्ष समिति ने, दलित सेना ने,
वाल्मीकि वीर सेना, दुर्बल नाथ सेना, धानक महासभा ने ये फैसला किया कि एक पुतला दहन, दोनों का पुतला जलाया जाएगा। ये चार दिन पहले डिसाइड हो गया था और इसी के दबाव की वजह से आज जो केजरीवाल ने बीजेपी ने अपना ड्रामा बंद किया है वो कांग्रेस के दबाव के वजह से, राहुल गांधी की आवाज़ के सामने और जो सामाजिक संस्थाएं इनकी आवाज़ से घबरा करके अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बीजेपी की सत्ता ने ये ड्रामा बंद किया है। हमने ये अम्बेडकर विरोधी करार दिया है। आम दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार जो है दिल्ली के लिए पूरे राज्य का दर्जा तो अम्बेडकर विरोधी है। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिल्ली को जो राज्य का दर्जा दिया गया है, जितनी ताकत दी गई है, इसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल को वोट करे थे, इसी के आधार पर उसकी सरकार बनी थी। अब वो अपने ऐपों को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए ड्रामा करके बुनियाद की योजनाएं असफल होगी, पानी बिजली का फ्री का वादा वो जो है झूठा हो गया, लूट खसोट के नाम पर उजागर होगी बीजेपी की आराम पार्टी की सरकार, उसके खिलाफ पुतला दहन है, उसकी आवाज़ है कि अम्बेडकर विरोधी है और दिल्ली के देश के दिल्ली के लोगों के साथ दोनों ने मिलकर के गुठारा खाते हैं। पी ब्लॉक में और जो है ए ब्लॉक में गंदा पानी, P2 में आती सुल्तानपुर में गंदा पानी। कब से आ रहा है पानी? कई महीने हो गए हैं ये गंदा पानी आ रहा है। ये पानी आपके सामने है, ये गंदा पानी हो गए। ये जो पानी है ये क्या बिल्कुल इस्तेमाल के लायक नहीं है? काम कैसे चल रहा है लोगों का? आप कहो तो मैं आज शाम को फिर पानी कैसे काम चल रहा है लोगों का? आप कुछ भी एक दूसरे से मांग करके गुजारा कर रहे हैं, टैंकर माफियाओं से मिले हुए हैं और टैंकरों में खूब हेराफेरी हो रही है। पानी दिल्ली में है नहीं, पानी बढ़ाया नहीं। केजरीवाल पानी पे सियासत कर रहा है जबकि सैकड़ों कुशल पानी कम हो गया है जो कांग्रेस की सरकारों ने प्लांट लगा के नैन बिछा के दिया।